नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आपका अपना सिटी पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हुई एक हादसे के बारे में। हाँ दोस्तों, मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हुई एक हादसे के बारे में। है तो एक छोटी सी घटना, लेकिन ये बार बार हो रही है तो इसे बड़ी घटना कह सकते हैं। इससे पहले कई तरह की घटना हो चुकी है। सारी घटना की जानकारी बताऊंगा इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना परसों की है, जब चेन्नई से ट्रेन मधुबनी स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन में सब मिलने से हड़कंप मच गया। 9 घंटे तक ट्रेन के बोगी पर पड़ी रही लाश। हाँ दोस्तों, चेन्नई से मधुबनी पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बुधवार को लाश मिलने से हड़कंप मच गया। उसकी पहचान झंझारपुर के नवारी गाँव के सहदेव 53 वर्ष के रूप में की गई है। मीडिया न्यूज के अनुसार वह चेन्नई के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बरसों से काम कर रहा था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापस आ रहा था। 25 मई की करीब शाम 4 बजे उसे अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मधुबनी स्टेशन पर रात करीब 2:10 पे ट्रेन पहुंचते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इस लाश को अपने कब्जे में कर लिया। सरकारी प्रक्रिया के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इससे पहले भी 15 मई को भी मुंबई से पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आंद्राठाड़ी गांव निवासी मोती पंडित की भी मौत हो गई थी। दोस्तों यही सारी अपडेट थी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।